शिवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। नर्मदा मैया की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। सब साधु संतों की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वंदे। कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे। कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो आरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। गुरुर्
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे विश्वेशं माधवं दुंडिनीं दंडपाणीं च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां ओ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव सहना भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 Krishna.
हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु नाथ महाराज की जय। ओम शांति भगवान सर्वत्र शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगतपति पावन अनंत सुखों का दाता घट घट वासी परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त निर्गुण निराकार निर्विकार पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर को हम सभी मिलकर सिर झुकाकर कोटि कोटि सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों के पंडितों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला होशंगाबाद के अंतर्गत इटारसी नगर के इस पावन भूमि पर भव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के यजमान पद को प्राप्त सम्माननीय श्री रामावतार जी यादव श्री भैयालाल जी यादव श्री संतोष जी यादव श्री राजकुमार जी यादव श्री पप्पू जी यादव परिवार द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के तृतीय दिवस की कथा में पधारे हुए कथा मंडप में विराजमान आप सभी आसपास गांव शहर से पधारे भगवान जी की मंगलमयी कथा सुनने के लिए आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करता हूं। परम मंगलमयी परम आनंददायक भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के आचार्य महानतम तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज शुकताल नामक तीर्थ में गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अभिमन्यु नंदन सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमात्मा की पतित पावनी कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। राजन इस संपूर्ण जगत के अंदर जो मनुष्य शास्त्र संत के कहे अनुसार अपने जीवन को जीता है ईश्वर की कृपा कवच के रूप में उसकी सदैव रक्षा करता है।
ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो, कोई आ रहे हैं उनको मौन होकर के बिठा दो, आपका नुकसान होता है। एक शब्द भी चूक गए बहुत बड़ा नुकसान। बाहर का नुकसान दिखता है, मेरी चप्पल चली गई, मोबाइल चला गया, सोना चेन चली गई, और ले आओगे भाई और ले आओगे, ये शब्द नहीं मिलेगा। लापरवाही से सुना हुआ ब्रह्म ज्ञान कोई काम का नहीं, और सावधानी से सुना हुआ साधारण ज्ञान भी काम का है। ये आत्मरस की कथा है भाई, एक शब्द भी इधर उधर ना जाए, समय से आओ, पहले आओ, बैठो, जब आओ तो शांति से बैठो। सुनने ही नहीं आता लोगों को भाइयों, अभी तक सुनने ही नहीं सीखे। नहीं तो अब तक बहुत कुछ अनुभव हो जाता, ईश्वर का बहुत हो जाता, और अभी भी लापरवाही करे, अभी भी समझ लो। क्या निवेदन किया है, जो शास्त्र की आज्ञा संत गुरु की आज्ञा के अनुसार धर्म का पालन करता है, नियम संयम से जीता है, नीति न्याय जो सुन चुका है, जो उसे पता है, उसका जो पालन करता है, ईश्वर की कृपा कवच के रूप में उसको संभालती है, बचाती है। जितना मालूम हो चुका है बस उसी का पालन कर लो, नैया किनारे लग जाएगी। जितना मालूम हो गया, जिसमें हमारा कल्याण हो जावे, हम सुखी हो जावे, इतना ज्ञान सुन चुके हो, अब नया सुनाने जैसा कुछ बचा नहीं है, बस वही घिसा पिटा इधर थोड़ा अल्टी पल्टी करके दिए जाओ। ज्ञान तो वही है, नया कुछ जरूरत है ही नहीं। अब पहले वाले उन्हें सब कह दी, सब सुना गए वो, अब नया कुछ नहीं, अब तो अमल करने की बारी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अमल करें, आचरण में आ जावे, इंसान चरण से मंदिर चला जाता है, कथा में चला जाता है, तीर्थ चला जाता है, चरण से मंदिर तक तो चला गया, ईश्वर तक नहीं गया। कथा में तो आ गया, तीर्थ भी गया, ईश्वर तक तो आचरण से जाएंगे, ये चरण से वहां तक नहीं जाएंगे। जमी नहीं जमी, आचरण ठीक होना चाहिए। कल ध्रुव जी महाराज जी की कथा हम सबने सुनी, 5 साल का बच्चा नारद जी के वचनों पे भरोसा करके जंगल में चला गया, कोई डरी नहीं। हम अपने बच्चों को पीछे का दरवाजा लगाना की अगर कह दे ये बेटा साकल लगाया ना उधर, मैं नहीं जाऊं। अरे बच्चे क्या बड़े बड़े नहीं जा रहे, वो जंगल में चला गया, उसने आज्ञा का पालन किया है, कवच के रूप में गुरु के शब्द गुरु के वचन रक्षा करते हैं। संतों की वाणी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे, गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। तो कहे कबीरता दास को, तीन लोक डर नाही। आइए, अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं,
परिवार का भी बड़ा स्नेह और माताजी भी पधार रही हैं, इनका भी आशीर्वाद मिलता रहता है। कवच के रूप में आशीर्वाद छोटों से भी मिलता है, बड़ों से भी मिलता है। आशीर्वाद देने की ताकत ये ना समझो खाली पंडित ही देता है, हाँ आपके यहां काम करने वाले की आत्मा भी आपको दुआ देती है, मालिक बहुत अच्छा है। हाँ हम गुरुजनों के संतों के तो चरण धोते हैं, वंदन करते, उनका सम्मान करते हैं, करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन जो नेक जीवन जी रहा है वो आपके माँ हो, आपका पिता हो, आपका भाई हो, आपका गुरु, आपकी पत्नी हो, आपका नौकर हो, उसका भी सम्मान करिए, वो भी आशीर्वाद देता है। दुर्बल को न सताइए रे जाकी मोटी हाय, सबका सम्मान करो है। कवच के रूप में आशीर्वाद रक्षा करता है। आशीर्वाद मुंह से नहीं दिया जाता है, आशीर्वाद आत्मा से दिया जाता है। मुंह से तो कोई बंदूक की नोक पे भी आशीर्वाद उगलवा दे, ले जल्दी से आशीर्वाद देने दबों खटका तो मिल जाएगा आशीर्वाद। अरे सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, किसी की भी आज्ञा का पालन करोगे वो आशीर्वाद ही देगा। कोई की भी आज्ञा मान लेना, शास्त्र की आज्ञा मानो, संत की आज्ञा मानो, माता पिता की आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानो, जो भी अच्छी सलाह दे मान लो, मान लो, कल्याण निश्चित है, निश्चित है। तो ध्रुव जी महाराज जी ने नारद जी की आज्ञा का पालन किया, जंगल में गए, किन्ने रक्षा करी, गुरु के शब्द रक्षा करते हैं भाई, माता पिता का आशीर्वाद। जिनसे भी आपको अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी बातें सुनने को मिले, उनका गुरु के समान सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपने गुरु का भी करो, निष्ठा अपने गुरु में रखो, पर सम्मान सभी गुरुओं का करिए। ध्रुव जी महाराज जी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। 6 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या मिलता है? ट्रैक्टर। अब सबकी अलग अलग बुद्धि है, ये भगवान की कृपा है तो मेरे बेटे के यहां बेटा हो गए, वाह। तो ये तो कई घर में हो रहे, इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? नौकरी लग गई, मकान बन गया, शादी हो गई, ये तो दुनिया के काम है, हो ही रहे। जो नहीं मान रहे भगवान जी को उनके यहां भी हो ही रहे। ले जो नास्तिक धरा है उसकी भी दुकान बढ़िया चल रही। हाँ जो अगरबत्ती नहीं लगा रहा, ना कोई धर्म के काम में आगे आ रहा है, ना कोई अच्छे कार्य किए कभी, बढ़िया चल रहा है सबका। भगवान जी की कृपा का भाई बहनों प्रमाण कोई दुनिया की धन संपत्ति नहीं है, इसके भरोसे कहीं चूक मत जाना। संतों ने क्या कहा है? जा पर कृपा ना राम की, सो पावत जग भोग, सच्चा सुख पाता नहीं, भोगत मानस रोग। भगवान की कृपा का अनुभव कैसे करेंगे? जब आपके मन में शांति हो जाए, चैन हो, नींद अच्छी आवे, आप कभी कोई बुरा काम कर न सको।
आप कभी झूठ ना बोलो, आप कभी नशा ना करो, आप कभी मांसाहार ना करो, आप कभी कोई चोरी चुगली ना करो, आप अभिमान ना करो, आपके हृदय में दया प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो, सबके प्रति परोपकार की भावना आपके भीतर जाग जावे, बिना उम्मीद के भी आप दूसरों के काम आने लग जाओ। वो काम नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके काम आ रहा हूं, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण है। फिर आप चाहे महल में रहो या झोपड़ी में रहो, भगवान उसको मिल गए, ये कृपा। अब जांच करते जाओ आप अपनी अपनी, क्या आपके भीतर ऐसा हो रहा है, हाँ तो भगवान आपको मिल गए। आप झूठ ना बोलो, नशा ना करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हो और धर्म और नीति का पालन करते हो, परिवार में सबका सम्मान करते हो, एक दूसरे के प्रति आप आदर का भाव रखते हो, तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हुई है। हमारे संतों ने इन कथाओं के माध्यम से यही समझाया है, जीवन में गुरु आज्ञा का पालन करें, गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करो, बैठो, चालू कथा में पूजा ना करो, कोई आगे ना आवे, अभी चार दिन बचे हैं, सबसे विनती है कथा शुरू हो चुपचाप बैठ जाओ या फिर पहले आओ, या कथा हो जावे उसके बाद पूजा करो। श्रोता वक्ता के बीच में जो विघ्न करता है पाप लगता है उसको, सावधान रहो, बीच में ना मौन रहो, चुपचाप। चोरी से आके बैठ जाओ, पड़ोसी कोई पता ना चले कि कोई आया क्या, उसका ध्यान भंग हो जाएगा ना, दोष लगे। सुनने की विधि मैंने निवेदन किया है, सुनने ही नहीं आया लोगों को, अभी तक 50 साल की उम्र हो गई तो कोई तरीका ही नहीं, कैसे बैठना, कब पहुंचना, कैसे सुनना, एक आसन से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर उधर ना देखें सोचे बिचारे, मन को संयम में रखें। सच्चा सुख कब मिलता है, जब हम सच से जुड़ जाते हैं। हम झूठ दुनिया से जुड़े हैं, सुख तो मिला पर झूठा सुख है, झूठा है। एक दिन वो दुख में बदल जाएगा, अभी तो लग रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन सच्चा सुख भगवान से मिलता है। सच्चा सुख केवल किधर, भगवान तुम्हारे चरण। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने सच्ची भक्ति की, तो भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता।
सच्चे भक्तों को पल पल में भगवान का अनुभव होता है। पल पल में होता। कल बात की थी 24 अवतार, मतलब 24 घंटे जो भगवान का अनुभव करता है, यही 24 अवतार सच्चे भक्तों को होता है। आप घर से निकले, कोई साधन नहीं है और आपको कथा में आना है और पूर्ण सच्चाई है, तो कोई मोटरसाइकिल वाला निकल ही रहा, भैया
मेरे को वहां, हाँ हाँ मैं भी वही जा रहा हूं। अरे वाह, एक पल में सहारा। और मान लो कभी पैदल भी आना पड़ा, कभी ऐसा भी अवसर आता है, कोई नहीं मिल रहा है, उस समय भी भगवान की ही कृपा को देखना है। शायद भगवान जी ऐसा चाह रहे, ये थोड़ा पांव पांव ही चल लो, जरा थोड़े पैदल भी चला कर, थोड़ा ऑटो वाला का भी ध्यान रखो, उसकी भी मदद करो। ऐसे तो कहां उसके घर भिजवाओगे, नगद ऑटो वालों को दे दो, थोड़ा सा त्याग कर। हर परिस्थिति में भगवान जी की कृपा को देखे वो सच्चा भगत। सुख में तो सभी मानते हैं, दुख में भी हाँ भगवान का उपकार है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हाँ ऐसा समझ के दुख को भी आमंत्रित करो, हाँ आजा भी, आजा आजा। सुख में दुख में भगवान का अनुभव करना सच्चा भगत। जो कच्चा है वो सुख सुख में ही भगवान की कृपा देखता है, और जहां दुख आया, अरे कई दम नहीं भगवान जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरि भक्त केवल होत है जाको हरि को संग, विपत्ति पड़े बिसरे नहीं चढ़े चौगुना रंग। विपत्ति में और ज्यादा भक्ति करेगा, और ज्यादा भजन करेगा। भगवान तुम परीक्षा लेना चाहते हो, हाँ हाँ, तो मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं ऐसा कोई नकली भगत नहीं हूं, हाँ मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, तुम मुझे भूखा रखोगे, हाँ भूखा रह लोगे, अपमान कराओगे, बेइज्जती कराओगे, हाँ मैं सब सहन करूंगा। फिर भगवान को भी हाँ झुकना पड़ेगा, अरे ये तो पक्का है रे, डरता ही नहीं है। ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए, उनका बेटा वेण नास्तिक निकला, ईश्वर को नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं। अंग राजा वेण को कहते बेटा भगवान है, बोले है तो सामने आए तब मानू। भगवान तो सबके हैं भाई बहनों, लेकिन अनुभव सबको नहीं होता है। एक तो समय पे गुरु ज्ञान नहीं मिला, इसलिए भी अनुभव नहीं हुआ, और कोई गुरु मिल भी गए तो हमारा विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता। भगवान तो सबके, पापी के भी हैं, पुण्यात्मा के भी हैं, अनुभव उन्हीं को होता है जिनके हृदय की निर्मलता आ जाती है, कर्म की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, विचार की शुद्धि। क्योंकि भगवान शुद्ध है ना, पवित्र है, उस क्वालिटी में हम आ जाएंगे तो हाँ हमको भी अनुभव हो जाएगा। ये जितने भी तीर्थ व्रत धर्म सेवा सत्संग कीर्तन क्या है, मन की शुद्धि के लिए। किसी को कथा से अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन से अच्छा लगता है, किसी को परिक्रमा से अच्छा लगता है, किसी भी तरह से अंतःकरण को शुद्ध बनाइए। क्योंकि अंतर्यामी कहां रहता है, अंतःकरण में। अब होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है तो ये तो नहीं कह सकते कि है ही नहीं, भगवान तो है। गीता में भगवान कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतान, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय में रहता है, पक्का है। तो हमें तो अनुभव में नहीं आया, हाँ तो आपकी तपस्या की कमी है, भजन की कमी है, विश्वास की कमी है, सच्चाई नहीं है आपको। हमने तो सब काम कर लिए, माला भी जप ली, कथा में हुआ है, तीर्थ भी हुआ है, चार धाम हो गए, पर अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चला कि अपने पास ही है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है।
हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, अब वो क्या है उसकी जांच करो, जांच करेंगे तो पकड़ आएगी। भाई बीमारी एक भी नहीं है शरीर में और फिर भी नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है और डॉक्टर क्या कहे, ये बीमारी तो कुछ है ही नहीं। अरे जब तबीयत खराब है और कह रहे बीमारी नहीं, जांच करो। फिर उन्होंने खून की जांच करी, सब शरीर की जांच करी और वो MRI क्या होता है उसमें भरा गया अंदर, अब तो पता चलेगा कहां क्या हो रहा है। जांच करो, अगर भगवान जी का अनुभव नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में बनावटी बना है, दिखावा है। कथा भी सुनते हैं साथ साथ मोबाइल भी चलाते रहते, हाँ तो ये मिस्टेक आ गई ना, कथा भी सुनते हैं इधर उधर देखते भी रहते, कोई बात भी करता है, अनुभव नहीं होगा। कितनी सुन लो, किसी की भी सुन लो भले, हाँ कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, जांच करो। ये तो आपके अंतःकरण में शुद्धि आ जाना था ना, वही दवा गोली के बाद आराम लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो कोई खराबी है, जांच करो फिर वैसे दवा लो। तीव्र भक्ति से वासना का विनाश होता है, तीव्र होना चाहिए। हमारी भक्ति का रूटीन में आ गई, मंदिर गए घंटी बजाई ये हो गया काम, एक चक्कर पांच चक्कर जितना लगा लगा दिया, प्रसाद लिया चलो, पेड़ी उतरते ही फुर्सत, फिर दूसरे दिन देखेंगे। भक्ति बाहर से नहीं होती, अंतःकरण से होती। भगवान का अनुभव किनको होता है, रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं आप सब जानते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसके मन में निर्मल भाव आए, राम नाम जो जन मन लावे उसमें सभी शुभ बस जावे। मन ही मंदिर बन जाता है, बाहर का मंदिर हमारा बनाया हुआ है, मूर्ति भी किसी इंसान की ही बनाई हुई फिट करते हैं, लेकिन ये देह ही देवालय है। साधु संत महात्माओं का हम आदर क्यों करते, उनका शरीर भी तो हमारे जैसा है, उनके मन की निर्मलता है।
हमारे मन में थोड़ा विकार है, दोष है, उसको दूर करो। अंग राजा वेण को समझा रहे हैं, बेटा भगवान है, अनुभव में तपस्या साधना से आता है, हमारे वंश में ध्रुव जी महाराज जी ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। वेण क्या कहता, मैं नहीं मानता, मेरे को नहीं जमता, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, कुछ नहीं होता। आज भी ऐसे है, ऐसे दुष्ट लोग आज भी हैं जो धर्म कर्म का विरोध करते हैं, क्या होता है इससे? और दूसरे नहीं, अपने ही लोग, दूसरा धर्म का के तो चलो समझ में आता है, अपने ही धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू की बुराई करते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। ठीक है, अगर कोई गलती है तो उसको सुधारो, सभी गलत नहीं है भाई, सभी गलत नहीं है। क्या होता है कथा सुनने से, और वास्तव में जो सुन के जाते हैं अगर उनमें फर्क नहीं पड़ा तो वे जो कह रहे फिर कही तो बात सच्ची है भाई, अगर सुधार नहीं आया आपके व्यवहार में, आचरण में, रहनी में, तो जो आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता कथा से, तो बराबर बात सही है। भक्ति साधना सत्संग के बाद जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो आपको सावधान कर रहे हैं, सतर्क हो जाओ या ठीक से करो, कुछ ना कुछ गलती जब भी सामने वाला बोल रहा है उसका बुरा भी मत मानो, सुधार करिए। 50 साल से मंदिर जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, लेकिन क्रोध आपका कम नहीं हुआ, झूठ बोलना आपने छोड़ा नहीं है, नफरत करना नहीं छोड़ा है, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम नहीं बढ़ा अभी तक, क्या सीखा तुमने? अरे भगवान की भक्ति करने के बाद तो सब में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए, सब में भगवान, सिया राम मैं सब जग जाने। हमारे तरफ से ऐसी कोशिश होना चाहिए, सामने वाला अगर बेईमान है, दुष्ट है, हाँ आपने तो भगवान का भाव रखा लेकिन वो तो बेईमान है, तो बेईमान है तो एक दिन उसका भी सफाया होगा। हाँ भाई, राम जी ने रावण को भी तो मारा कि नहीं, समझाया नहीं समझा तो फिर ठिकान लगाया, राम जी ने तो भरपूर कोशिश की समझ जाए, सुधर जाए, मान जाए, हनुमान जी को भी भेजा, अंगद जी को भी भेजा, समझाने में कोई कसर नहीं रखी, नहीं माना तो फिर उसको मिटाया। हमारे तरफ से पूरी कोशिश होना चाहिए सबके प्रति प्रेम सम्मान, और सामने वाला ना माने, दुष्टता करे तो फिर भगवान इसी व्यवस्था करेंगे करेंगे। तो वेण को समझाया नहीं समझा, दुखी हो गए अंगराज, अब क्या करूं मैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को संस्कार अच्छे दीजिए भाई। आज शिक्षा तो खूब ऊंची ऊंची दिलाई जा रही है, हाँ, लेकिन संस्कार की कमी, और संस्कार स्कूलों में नहीं मिलेंगे, घर में मिलेंगे। स्कूल भी हैं ऐसे, विद्यालय हैं। आज मैं सुबह विद्यालय गया था, ये वनवासी छात्रावास सेवा भारती बूढ़ी माता मंदिर के आगे छात्रावास है, वहां छोटी छोटी बहनें हैं वनवासी क्षेत्र से, उनको निशुल्क भोजन कपड़ा सब व्यवस्था और शिक्षा निशुल्क, संस्कार अच्छे। उन्होंने सरस्वती वंदना सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने उनको आमंत्रित भी किया कि आप एक दिन जरूर समय निकाल के पधारें कथा में भी, और प्रातः काल योग
आसन प्राणायाम 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें भी वो बहने सब आई हुई। शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां क्या शिक्षा दी जा रही है। ऐसे स्कूल आज भी हैं और हर जगह शहरों में देखने को मिलते, इटारसी में भी होंगे, जहां भारतीय ऋषियों की परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का ध्यान नहीं रखा जाता और बल्कि विरोध भी हो रहा होगा। मां बाप इतना कुछ समझते नहीं, बड़ी बिल्डिंग है यहीं पढ़ाओ, इनकी ड्रेस भी बहुत अच्छी है यहीं पढ़ाओ, स्कूल की बस भी बहुत अच्छी है यहीं नाम लिखा दो। अरे गुण देखो, पहले गुरुकुल परंपरा थी, झाड़ के नीचे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था और होनहार निकलते थे। जब गुरुकुल परंपरा थी उस समय भारत विश्व गुरु का सम्मान पाया हुआ था, जिससे कॉन्वेंट स्कूल में कहीं कहीं अच्छी शिक्षा भी, जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अच्छी शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं। किसी किसी स्कूल विद्यालयों में आपकी भारतीय परंपरा का विरोध होता है, वहां बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है। क्या होता है भगवान की पूजा, क्या होता है तिलक लगाने से, क्या होता है नाड़ा बांधने से, क्या होता है व्रत उपवास करने से, कहां देवी देवता, सब फालतू की बात है। अब बच्चों के बचपन से ऐसी बातें उनके दिमाग में बैठ गई, माता पिता के प्रति आदर नहीं, बड़े होने के बाद मन मर्जी से जिंदगी जीते हैं और वातावरण भी आजकल ऐसा बना हुआ है, मोबाइल का युग है। 10 साल के बेटा बेटी को 20 साल की उम्र का जो ज्ञान होना चाहिए वो 10 साल की उम्र में ही आ गया है। मतलब 10 साल उम्र बढ़ा दी मोबाइल ने, इतनी विकृति आ रही है। शिक्षा नहीं, इसलिए भाई बहनों अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। प्राइवेट स्कूल भी अच्छे हैं जहां शिक्षा दी जाती है धर्म की, शास्त्र की, अपनी परंपरा की। नास्तिकता बने हुए कई बेटे, कथा को सम्मान नहीं, पूजा पाठ को नहीं, भगवान व्रत उपवास को नहीं, संत शास्त्र को नहीं आदर देते हैं। और बड़े होने के बाद अपना स्वयं निर्णय लेते हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं कि माता पिता के आज्ञा करें, समाज में संबंध करें, अपनी जाति समाज कुल की परंपरा अनुसार विवाह करें, कोई उनको शिक्षा ही नहीं दी ऐसी। माता पिता के लिए भी कोई आदर प्रेम नहीं है, इसलिए संस्कार अच्छे देने चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी पढ़ करके महान बने हैं, और आज भी कई अच्छा जीवन जी रहे। तो सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चों को पढ़ाइए भाई बहनों, और प्राइवेट स्कूलों में जहां अच्छी शिक्षा हो, संस्कार हो, 8-15 दिन महीने भर में जरूर जाओ, क्या सिखा रहे हैं, बच्चों से पूछो क्या सीख के आए बेटा। खाली अंग्रेजी सीखने से वो महान बन जाएंगे ऐसा नहीं, संस्कार जरूर। पढ़ाई लिखाई करके आज बहुत लोग डॉक्टर बने, बहुत लोग अच्छे पद पर बैठे, अधिकारी बने, इंजीनियर बने, पर सभी ईमानदार बने ये कह नहीं सकते। हाँ अच्छे पद पे तो बैठे हैं पर अच्छा इंसान बना कि नहीं ये कह नहीं सकते भाई, जो संस्कार ही नहीं उसको, ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली है कि पढ़ लिखने के बाद तुम्हारी बुद्धि अच्छी बने, गरीब की मदद करो, चाहे जिसका शोषण मत करो, सरकारी योजनाओं का भरपूर गरीबों को लाभ दिलाओ, ये सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करो। कितना दंगा फसाद हो रहा है, ये कोई अनपढ़ लोग कर रहे हैं, अपने ही लोग कितना आंदोलन करते हैं भाई बहनों, आग लगा देते हैं सरकारी संपत्ति को, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, असामाजिक तत्व तो करते ही हैं, पर कहीं कहीं समझदार लोग हैं, समझदार लोग हैं। रेल में आग लगा दी, किसका नुकसान हुआ, हमारा ही तो हुआ है, हमारी तो संपत्ति है भाई, आफत भी किसको आएगी, अपने को ही आना है, अपने भाई पड़ोसी गांव वालों को गरीब को मुसीबत आएगी,
आंदोलन कर दिया, सब आपने भारत बंद करा दिया। अच्छा है, कोई उद्देश्य अच्छा है तो करो, भारत बंद करो, दुकानें बंद करो। पर जो गरीब है बेचारा, सवेरे से कमाने जाता शाम को लाके खाता है, अगर चार दिन बंद हो गए तो क्या होगा उसके घर परिवार का? कहां ऐसी परवाह, कहां चिंता है? जो मन में आया करना है, शिक्षा पढ़ाई लिखाई तो भाई बहनों उसे ही कहे जो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। कितना भी पढ़ा लिखा डिग्रीधारी है लेकिन वो अपने किसी गरीब का या जरूरतमंद के दर्द को नहीं पढ़ पाया तो अनपढ़ से भी गया बीता है पढ़ा लिखा। संस्कार अच्छे दो भाई बहनों। अंग्रेजी भाषा तो आप कहीं भी सीख सकते हो, महीना दो महीना छह महीने में, भाषा का विरोध नहीं है। भाषा तो सीखो, जितनी ज्यादा सीख सकते हो, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मलयालम है, भाषाओं का ज्ञान रखो, पर संस्कार तो हमारे होना चाहिए। वेद के आचरण इतने बिगड़ गए, नशा करने लग गया। अंगराजा बड़े दुखी, समझाया न समझे, संत की शरण गए, संतों ने प्रेरणा दी। देखो अभी भी मौका है, आप अपने जीवन को संभालो। आपके जीवन में अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं ईश्वर अपनी ओर बुला रहा है, बुला रहा है। जब ज्यादा दुख संकट विपदा आ जावे तो भगवान इशारा कर रहे हैं, उस समय दुखी नहीं होना, अशांत तनाव नहीं होना, घर से निकल के ऐसी जगह चले जाओ, चले जाओ। राजा अंग संतों की संगति में जब रहे, संतों ने उनको यही प्रेरणा दी कि जीवन में दुख तकलीफ कभी कभी भगवान की कृपा के रूप में भी आता है और संत उसका समाधान कर देते कि दुख के समय का भी सदुपयोग कर लो। जो शेष जीवन बचा है कहीं ये घर गृहस्थी की दुख चिंता में ही खत्म ना हो जावे, बेटे का क्या होगा, इनका क्या हो, इनका क्या होगा। सम्राट परीक्षित जी को जब श्राप मिला सातवें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो राजा ने ये ख्याल नहीं किया मेरे बेटों का क्या होगा, राजपाट का क्या होगा, बेटा तुम जैसे तैसे तुम संभालो, अब तो मैं अपने जीवन को संभालो, सात दिन बचा है। इसलिए संतों ने कहा है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा ताली बजाते हैं सभी लोग, दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, श्री राम।
निकल जाएगा आशिकी का, क्या भरोसा है जिंदगी 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 का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ताली बजाते हैं सभी लोग, दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, श्री राधे हरि बोल। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है से जिंदगी 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 का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है से जिंदगी 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 का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं भगवान की जय। जो जिंदगी बची है जीवन बचा है भाई बहन, कि ये गोरख धंधे में ही पूरा ना हो जाए। हाँ, कोई भरोसा नहीं कितना समय शेष बचा है। वो राजा अंग को जब संतों ने ये बात कही कि ये दुख चिंता में ही कहीं जीवन पूरा ना हो जाए, थोड़ा इससे ऊपर उठ जाओ। जब अभी तक सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो क्यों पच रहे हो? अब तो भगवत भक्ति में लग जाओ। जो विद्या जो ज्ञान भगवत भक्ति में ब्रह्म ज्ञान में सहायक न हो, वो धन संपत्ति विद्या ज्ञान सब व्यर्थ है।
जो भगवान के ज्ञान में बाधा डाले उसे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जो भगवत भक्ति में सहायक है हाँ उसको पकड़ लो, उसका साथ कर। बेटा नहीं मानता है हाँ तो दूरी बनाइए। कोई सी भी परिस्थिति जीवन में आवे उस दुख को भगवान तरफ टर्न कर दीजिए। हाँ दुख के समय को काम में लेना सीखो। रो रो के दिन मत काटो। इतने हम सब बैठे कहीं ना कहीं अभाव कमी अधूरापन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। सबकी इच्छाएं पूरी होती नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो बनी, क्या करे अब। वो कमी को दुख को ही याद करते रहे, बार बार रोते रहे, इससे अच्छा है भगवान की भक्ति में लगाओ ना। परीक्षित को श्राप मिला, 7 दिन उसने दुख में नहीं बिताए, भक्ति में बिता दिए, सफल हो गई जिंदगी। गुरु क्या करता है, दुख में भी जीना सिखा देता है, इसलिए गुरु की जरूरत है। सुख में तो सब मजे ले ही रहे, उनको क्या जरूरत गुरु की। हाँ पर दुख आएगा जब, आप देखना कितनों को दुख आया है और कहां सहन कर पाए, आत्महत्या कर ली, दूसरों की हत्या कर दी। अरे दुख मुसीबत आया, कोई ऐसी परिस्थिति आई है, उस समय गुरु समाधान करते। समाधान वाली बुद्धि होना चाहिए। और समाधान शास्त्र गुरु करा देते हैं। वो यही कहते कोई भी समस्या तुमसे बड़ी नहीं है, कोई सी भी समस्या, यहां तक कि मौत भी तुमसे बड़ी नहीं है। हाँ परीक्षित को यही तो कहा, राजन तुम मरने वाले नहीं हो, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। मौत तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। तुम मौत से भी बड़े हो। मौत मृत्यु शरीर को मार सकती है, तुमको नहीं मार सकती। तो फिर मौत जैसी समस्या तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके तो ये छुटपुट जो घटनाएं हो रही उसमें तुम प्रभावित हो गए, दुखी मत हो। बेटा अगर कपूत निकला है हाँ तो ये भी भगवान की कृपा ही है, मौ नहीं होगा। अपने हाथ की कमाई संपत्ति लगा दो अच्छे काम में, यूं तो ये ठेका पे दारू में सब लगाएंगे। ये जब अभी ये हाल है, आप नहीं रहोगे तो फिर और क्या, बाद में भी तो करेंगे, तो अपने हाथ से ही लगा दो अच्छी जगह। कथाओं में हर प्रसंग से प्रेरणा लेना, क्योंकि कथाएं व्यास जी महाराज जी ने लिखी ही ऐसी है कि वो किसी ना किसी पे तो फिट हो ही है। कोई प्रसंग ऐसा जरूर निकलता है जिसमें आपका समाधान हो जाएगा, मेरे को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। बैठे रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सब सबका समाधान हो जाएगा, सबके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कहीं पूछना ही नहीं, चुपचाप श्रद्धा से आके बैठ जाइए, आपका समाधान हो जाएगा, आज ही हो जाए। और मान लो नहीं हुआ आज तो फिर कल, हाँ कल हो जाए, और कल नहीं हुआ आखिरी तक तो हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। पर आप इसी तैयारी से आओ। हाँ आप जो चाहते हो सच्चा ही होना चाहिए। जैसे कई दुकानों पे लिखा रहता है ना, यहाँ ऑर्डर पे माल तैयार किया जाता है। हाँ भोजनालय में ऑर्डर दे दो, ये दाल बाटी 5 लगोगे, हाँ अभी साहब 1 घंटे में तैयार कर ऑर्डर, आके बैठो, आत्मा का ऑर्डर इधर आत्मरस तरफ आएगा, इधर से आत्मरस बरसेगा, आपका ऑर्डर पूरा होगा, आपके समस्या का समाधान होगा। हम थोड़ी कुछ बोल पाएंगे, आप ही बुलवाओगे, आप ही बुलवाओगे। जब आप शांति का वातावरण देंगे, ऐसी
व्यवस्था देंगे, अनुकूलता रहेगी, आप सुनने को तैयार है तो सुनाने के लिए आई वो निकलेगा, वो आप जो चाहते हो वही निकलेगा। और ऐसी बात भी निकल जाएगी जो हमने कभी लिखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, वो भी ऐसे आपको सुनने को मिलेगी। और आप कहो ये तो आज तक ही नहीं सुनी, ये कहां से लाए? हाँ तो फिर ये वो ऑर्डर का ही माल है ये। हाँ तो कभी दुखी नहीं होना भाई बहनों, परिस्थितियां तो बदलती है, आप मन की स्थिति को बदल लीजिए। बेटे को आप नहीं बदल सकते, आप अपने मन को तो बदल सकते हैं ना। एक मिनट में समस्या है भाई, जो मोह है, मेरा बेटा है, ऐसा कर रहा है, बर्बाद कर दिया इसने तो, बदनाम कर दिया। अरे नहीं है, एक मिनट में तो समाधान हो गया नहीं है। अंग राजा उठे और संतों की संगति की, बाद में मंत्रियों ने प्रजा ने ढूंढा, राजा नहीं मिले। राजा ऐसा वेश बदल करके सच्चा भगत बन गया था। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके भीतर सच्ची भक्ति भी पैदा करने के लिए आती है। समय पे गुरु मिल जाए तो वो दुख, वो तकलीफ, वो दर्द भक्ति में बदल जाता है, भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाता है। अब राजा ना मिले, फिर अब किसे राजा बनाया जाए? तो रानी ने अपने पुत्र को ही राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। मंत्रियों ने सलाह दी, आपका बेटा लायक नहीं है, ना लायक है। और ऐसे अगर ऊंचे पद पे बैठ गए तो ये क्या प्रजा की और समाज की और देश की रक्षा कर पाएंगे? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी वो पद पे बिठाया, क्या हुआ आखिर? पूरे हस्तिनापुर सर्वनाश हो गए। राजा ऐसा हो जो देश हित का काम करे, प्रजा के हित का काम करे, गरीब के हित का काम करे, संसार के अंदर। भाई बहन जिसको जो पद मिला है, चाहे वो कोई अध्यक्ष है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, पंडित है, साधु है, महात्मा है, जो जिसको जो भी कुछ विशेष मिला है आम नागरिक से, विशेष कुछ उसके भीतर है, गुण है, पद है, बुद्धि है, बल है, पैसा है, अधिकार है, सामर्थ्य है, वो सदुपयोग में लगाना चाहिए। इनके राज्य में वर्षा नहीं होती थी क्योंकि पाप इतना बढ़ गया। ये ऐसे आयोजन जब होते हैं धरती पे, कथा, सत्संग, यज्ञ, कई सेवा, संत सेवा, गो सेवा, तो धरती माता थोड़ी प्रसन्न होती है। भाई भगवान कहाँ, यूं तो नहीं दिखता है। हम भी कथा कर रहे हैं, आप भी सुनने आ गए, आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान की कथा है, चलो सुन। वो व्यापक रूप से सब जगह है, उसकी चर्चा करके हम सबको विश्वास बढ़ाना चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए। हे ईश्वर, देवता भी है धरती पे और राक्षस भी है, पहले भी थे और आज भी है। जब वेन के राज्य में बारिश नहीं हुई, पानी की बूंद नहीं, लोग प्यासे मर रहे, भूखे मर रहे, बीमारियों ने घेर लिया, कहां जाए, क्या करें? तो संतों ने जाकर वेन को समझाया कि भाई देखो, तुम्हें अच्छा अवसर मिला, अच्छा पद मिला, इसका सदुपयोग करो। तुम राजा हो, तुम चाहो तो धर्म के कार्य यज्ञ हवन होंगे तो निश्चित रूप से सुख शांति होगी। तुमने ये सब काम बंद करा दिए तो नतीजा तो भोगना पड़ेगा, और अभी तो प्रजा भोग रही, तुम भी भोगोगे और तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। जब राजा को ऐसा कहा तो उसे क्रोध आ गया। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरप अवसी नरक अधिकारी। वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी है। अभी राजा बन के सुख भोगो, बाद में दंड मिलेगा, यमदूत मारेंगे, 84 में पटक देंगे, रोना पड़ेगा। वेण को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन संतों ने फटकार लगाई। साधु संत महापुरुषों की फटकार अगर जीव को मिलती रहे,
तो वो मुकाम पे रहता भाई मेरा। बेन नहीं माना, आखिर में उसको समाप्त कर दिया, बेन को मार डाला। मरा तो जंगा का मंथन, काला पुरुष पाप निकला जंगल भेजा, भुजा का मंथन, प्रथो अर्ची प्रकट हुए और देवताओं ने फिर स्तुति की, तो प्रथो महाराज जी ने फिर यज्ञ किए। 1, 2, 10, 50, 80, 90, 99 यज्ञ प्रथो महाराज ने किए। यज्ञ का बड़ा महत्व है, कहा है यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है यज्ञ हवन होम होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होता है। हवन की जो धुआं निकलती भाई बहनों, जड़ी बूटियां औषधियां जब वेद मंत्रों से डाली जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे वायरस, वायरस की ताकत कितना काम कर रही कोरोना की, हाँ दिखता थोड़ी है, काम करता है। ऐसे विद्वान आचार्य ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, अभिषेक करते हैं, वेद मंत्र की ध्वनि होती है अपने घरों में। श्रावण में भगवान शिव जी का अभिषेक होता है, वेद मंत्र की ध्वनि हो रही है, अनुष्ठान हो रहे, मां मृत्युंजय का जाप चल रहा है, सत्यनारायण जी की कथा होती है। इनमें श्रद्धा रखो भाई बहनों। ब्राह्मण कोई धन पैसा के लिए आपके आसपास घूमते हैं ऐसा नहीं है, आपको वो चीज दे रहे जो ऋषि मुनियों ने तब साधना करके पाई, और इन्होंने उन मंत्रों को सीखा, तपस्या की और आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। कितना आशीर्वाद मिलता, इसलिए कभी नजरअंदाज मत करो। इन पुरानी परंपराओं में पूजन पाठ अभिषेक जाप यज्ञ हवन, इनमें श्रद्धा रखिए। ये अपने घरों में प्रतिदिन नित्य होम का भी नियम है, नित्य नहीं तो हफ्ते में एक दिन होम हवन जरूर होना, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में तो करना ही है, और 15 दिन ही तो एक महीने में तो, हाँ बस अब इससे ज्यादा नहीं, एक महीने में तो करना चाहिए। कोई भी आचार्य विद्वज्जन को बुलाइए, हवन में जरूर आहुति डालिए भाई, उसकी ताकत बढ़ती है। वेद मंत्र से जब आहुति दी जाती है, नौरह वा एषा स्वर्ग्याद्ग्निहोत्रम् स्वर्ग कामो यजेत। यज्ञ से क्या क्या मिलता है, स्वर्ग के समान सब। स्वर्ग मतलब जहां शांति है, जहां पवित्रता है, जहां आपस में प्रेम है, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन है, जहां बड़ों का आदर सत्कार है, जहां एक भी बीमारी नहीं है, हाँ स्वास्थ्य अच्छा, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, बल है, पुत्र है, पशुधन है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति है, बस ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहां से आएगा ये सब जो अभी बोला है, यज्ञ हवन से। अपने घरों में जरूर हो, नित्य हो, गायत्री मंत्र से आप स्वयं भी कर सकते, गुरु मंत्र से आहुति आप भी डाल सकते। देसी गैया मैया का गोबर से बना हुआ कंडा हो, देसी गैया का गो घृत हो, जब गो घृत से आप आहुति देते हैं, बड़ा बड़ा तो जड़ी बूटियां औषधियां जब डाली जाती है तो दिव्य शक्ति प्रकट होती है। ये कीटाणु ये वायरस का असर नहीं होता है, श्रद्धा रखो। तो प्रथम महाराज ने यज्ञ 99 यज्ञ कर डाले, हाँ धरती मां बड़ी प्रसन्न हो गई। समय पे वर्षा होती है, जो फसल बोते समय पे उगती है, कोई बीमारी नहीं, जड़ी बूटियां औषधियां अपना परिचय खुद देती हैं, हाँ कि हमें इस बीमारी में उपयोग कीजिए, जड़ी बूटी खुद प्रकट होके बोल रही है।
प्रकृति मदद करती भाई, जब हमारे जीवन में सच्चाई आ जाती और धर्म अनुष्ठान से हम जुड़ जाते हैं, प्रकृति आपको मदद करती, सहयोग करती है। 99 यज्ञ हो गए, देवराज इंद्र को क्या लगा कहीं ऐसा तो ना हो ये मेरा इंद्र पद ले ले, 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो, क्योंकि बहुमत हो जाएगा तो फिर मेरा पद छिन जाएगा, क्या करना चाहिए, यज्ञ सफल नहीं होने देना। तो देवराज इंद्र ने यज्ञ में विघ्न किया। बाद में फिर पृथु महाराज के पुत्र ने पकड़ कर लाए और पता चला, अरे ये विघ्न करने वाला कोई साधारण नहीं है, देवताओं के राजा इंद्र हैं। पृथु महाराज ने फटकार लगाई और कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े पद पे बैठकर तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा तो सोचो भाई, स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, धर्म के काम में ही रोक। भाई बहनों, स्वार्थ जब व्यक्ति का बढ़ जाता है वो कुछ भी कर लेता है, फिर उसको पाप दिखता नहीं, बुराई नहीं दिखती, स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है, फिर उसको देश की परवाह नहीं, अपनी परवाह बस, अपने समाज, अपनी पार्टी, अपने लोग, अपना नाम, अपना सुख सुविधा, देश का कुछ भी हो। देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान विष्णु प्रकट हुई और पृथु महाराज से कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले, मैं ये चाहता हूं स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेन मही महीषाः गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। क्या कहा पृथु महाराज जी ने? प्रभु, सर्वत्र सुख शांति हो, गौ की सेवा हो, गौ की रक्षा हो, ब्राह्मणों का आदर सम्मान हो और संसार में कोई भी दुखी ना हो, सबके सुख की कामना की राजा पृथु। भगवान श्री हरि नारायण बड़े प्रसन्न हुए, अरे तुम अपने लिए तो कुछ मांग लो, तुमने दुनिया के लिए मांगा, अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं। तो पृथु महाराज जी ने क्या मांगा? प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, आपकी कथा निरंतर सुनता रहूं, 10,000 कान दे दो, ऐसा लिखा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भाई तुम्हें मेरी कथा से इतनी प्रीति है, तुमने कथा सुनने के लिए कान ही मांगे, वाह, भगवान से कथा के लिए कान, आपके गुणानुवाद सुनता रहूं ताकि संसार की बातों में मेरा मन न फंसे, आपसे अच्छा और क्या हो सकता है प्रभु, आपके बारे में सुनो, आपकी चर्चा मेरे कानों तक पहुंचे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और तुम संसार के लिए मांगा है तो धरती माँ गाय का रूप धारण करके आवेगी, गैया मैया की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लेना, तो तुम जो चाहोगे गाय सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती है। गावः सर्व सुख प्रदाः, गाय सारे सुखों को प्रदान करती है। यहाँ भी गैया मैया कथा सुन रही है, ये यादव परिवार भी गौ माता की खूब सेवा कर रहे हैं, अपने अपने घरों में भी अगर सुविधा हो तो गाय माता की सेवा जरूर करो, उसके प्रति निष्ठा रखो। गो सेवा करने से मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हो, जो गो सेवा नहीं करेगा, किसी भी रूप में गो से जुड़ो तो मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य पकड़ में आएगा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। और गौ की सेवा करने से सारी पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान सेवा ये फलदायी हो जाते हैं, ये फल प्रदान करते हैं, क्योंकि गाय ही गवाह देती है, हाँ ये इसका काम करो, गाय फिर गवाह, भगवान गाय से पूछते हैं, इसलिए पहली रोटी किसको देते है? तुम्हारे इधर चालू है कि बंद कर दिए? हाँ चालू रखना भाई, गाय का स्मरण करते हुए, मतलब शुरू श्री गणेश ही हुआ ये पहली रोटी गैया मैया की, पूरा भोजन शुद्ध हो जाता है। और जहां गाय के पेट में गई रोटी तो गाय के अंदर सारे देवी देवता सबको नैवेद्य लग गया, हाँ आपका भोजन शुद्ध हो गया।
नियम था, हर घर में गाय रखते थे और आगे आगे बांध के रखते थे। पहले गाय का दर्शन होता था, वो जिस घर में गाय बंधी रहती है वहां दिव्य शक्तियां, देवी देवता, पितृ देवता, साधु संत महापुरुष, यहां तक कि भगवान भी गाय के कारण आपके घर में प्रवेश करते, गाय को देख करते। बहुत अच्छा घर है। इसलिए हमने परम धाम गौशाला खातेगांव में शुरुआत की है भाई। ये तो हमें भी क्या जरूरत थी, क्या करना चाहिए, कह देते, प्रवचन देते ही थे, पर जब भगवान ने अकल दी और सुविधा दी, व्यवस्था दी, हमने भी ये शुरुआत की है। अभी 90-100 गैया मैया की सेवा चालू है, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, असक्त हैं, एक्सीडेंटल हैं, बूढ़ी हैं, अंधी हैं, चार गाय जिनको दिखता नहीं है, और लगभग 80-90 की संख्या में जिनका शरीर छूट चुका, बूढ़ी बीमार एक्सीडेंट में आई, इलाज हुआ, 2 दिन 8 दिन 15 दिन रही, शरीर छूट गया, उनका समाधि गड्ढा खोद करके मिट्टी के अंदर समाधिस्थ करके पूजन करके अंतिम संस्कार विधिवत गैया मैया का करते हैं, क्योंकि बाहर छोड़ते दुर्गति होती, कीड़े कुत्ते कौवे खाते। मन में आया कि ऐसा दुर्गति, मृत्यु के बाद उसको ऐसे छोड़ के फेंक के आना, मन में अच्छा नहीं लगा, तो ये कार्य हम कर रहे हैं। आप सबने जो सहयोग किया है, धन दिया है, संपत्ति दिए, वो सब इकट्ठा करके अभी तक लगभग 25 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो चुका है। वो सब आपका ही है, मेरा नहीं। अपनी आंखों से जाकर के आप जरूर देखें। इसीलिए इस वर्ष 17 से 23 अप्रैल 2020 भागवत कथा गौशाला में ही रखी है। आप जरूर अपना समय दान में दें, एक दिन तो जरूर आप आना, ताकि आपका दिया हुआ पैसा आप अपनी आंखों से देख सके कहां से उपयोग हो रहा है। क्योंकि गौ की महिमा है भाई बहन, गौ सेवा से गोविंद की सेवा सफल हो जाती है, सफल हो जाती। गो की सेवा से तर जाएगा, गो की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, गो की सेवा से तर जाएगा, गो की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं, श्री हरि। पढ़ पाएगा ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा।
ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा। मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, गोपी सेवा से डर जाएगा, गोपी सेवा से डर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। श्री राधे हरि बोल, ताली बजाते हैं सभी लोग, दोनों हाथों को ऊपर करते हैं। श्री राम की बढ़ाती है कांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, तेरे मन को दिलाती है शांति, 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 रंग भक्ति का चढ़ जाएगा, 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 मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, गोपी सेवा से तर 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 जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, गौ माता की जय हो। श्री राम जय, ऐसा गो सेवा से शास्त्र ग्रंथ हमारी समझ में आता है। ऋषि मुनि गौशाला रखते थे, गो की सेवा करते थे, जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती थी, भगवत प्राप्ति में गो माता मदद करती, सतोगुण बढ़ता है, आपके भीतर दिव्य गुणों की प्राप्ति होती, क्योंकि गाय के अंदर जब सभी देवी देवता का निवास है, जब आप सेवा करते हैं तो सभी प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तो आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, आप अच्छा कर्म करेंगे, को सेवा से बुद्धि की शुद्धि होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल बन करके आए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य बन करके मनुष्य जैसा जीवन जी करके मनुष्य मात्र को समझाया।
गावा सर्व सुख प्रदाह, गावा विश्वस्य मातरः, सबसे बड़ी माँ विश्व में गाय माँ है। अपनी माँ जन्म देने वाली दूध साल 6 महीना दूध पिलाएगी, लेकिन गैया मैया तो आपको जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। अगर किसी की माँ ना रहे, भगवान ना करे ऐसा, पर कहीं माँ का शरीर छूट गया, अब बच्चे को गौ माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और गौ माँ के दूध में कोई फर्क नहीं है। वो बालक को ऐसा सुपाच्य होता है, इसलिए माँ का दर्जा मिला। और जहां गाय होती है भाई बहनों, मां धीरे धीरे सारी सुख संपत्ति आती है। पर इसीलिए सेवा मत करना। हाँ, कोई कोई दूध के लिए सेवा कर रहे, कोई कह रहे लॉटरी खुल जाए तो मैं आज से शुरू करूं। हाँ ना, आप सेवा करते जाइए, वो प्रसन्न हो जाए। गावा सर्व सुख प्रदा, ऐसा लिखा है। ये कोई आज की बना के थोड़ी बोल रहे आपको बात, हमारा भी अनुभव है। हमारा अनुभव, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन गो सेवा जरूर चलती थी, पिताजी करते थे। हाँ, फिर एक गाय पे दो हो गई, दो की चार, चार की दस, दस की 20 गाय हो गई। घर में जगह नहीं, आसपास वाले अच्छे पागल हैं, इनके पास जमीन नहीं है, मांग तू के काम चला रहे और गायों को इतनी संख्या में पाल रहे, छोड़ो ना बेच दो। पर अंदर से आत्मा नहीं बोलती थी हमारे पिताजी की। भगवान ने कृपा की, एक भैया को 2 एकड़ जमीन दान देने के लिए वो पीछे पड़ गया। हमने मना किया, भैया हम क्या करेंगे, इतना बड़ा दान माथे पे ले कहां जाएंगे। नहीं नहीं, आपकी जो इच्छा हो आप बेच दो, गार्डन बनाओ, आपकी इच्छा जो करो, मेरे को दान में देना। 2 साल तक हमने मना किया, फिर वो पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा भाई और किसी को दे ना, नहीं मैं आपको ही देऊं। हमने फिर घर बात करी, बात क्या है, इतना पीछे क्यों पड़ा, कि जरूर कुछ भगवान की योजना है। हाँ, हमने फिर रजिस्ट्री कराई, साल भर वो ऐसी पड़ी रही। घर में 20-21 गैया मैया थी। हमने कहा भाई अब ये जमीन मिल गई, गायों को वहां पर रखें और भी बूढ़ी बीमार गायों की सेवा करें। ये शुरुआत हुई। ये प्रमाण आपको हम इसलिए दे रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। और जो कुछ भी आप अगर कुछ महसूस कर रहे हो कथा में, अच्छा सा आत्मरस का अनुभव हो रहा है, तो ये गौ माता के आशीर्वाद और प्रसन्नता से आपको भी वो आनंद मिलेगा। इसलिए हमने दान पात्र बांध दिए कि भाई आपका धन गौ माता की सेवा में लगता जाए। आप घर में नहीं कर पाते सेवा, मासिक सदस्य वार्षिक बन करके भी सेवा कर सकते। हाँ, और ऐसे कई भाई लोग बने मासिक सदस्य वार्षिक सदस्य, और आप जरूर वहां गौशाला में जब कथा के दौरान आएंगे तो आपको खुशी होगी कि हमारे धन का सदुपयोग हो रहा है, गौ माता की सेवा चल। 1 वर्ष का आप नियम ले लें, गाय की सेवा करें, और जो आपकी मनोकामना है, मनोरथ है, गाय माता पूरी करती है। कामधेनु बन जाएगी यही गाय। कामधेनु गाय कोई आसमान से नहीं उतरेंगी, यही जो गली में घूम रही है आपकी सेवा से, आपकी श्रद्धा से, वो ही गैया मैया कामधेनु बनकर आपकी कामना की पूरी करती है। हम सेवा तो करते पर दूध के लिए करते हैं। दूध के लिए सेवा ना करो, दुख दूर करने वाली है वो, चाहे दूध देने वाली गाय नहीं है पर दुख दूर करने वाली गाय। और प्रथु के राज्य में गैया मैया की सेवा हुई तो सर्वत्र खुशहाली हो गई, सर्वत्र खुशहाली। आज आप देखो गाय के ऊपर जितना संकट है भाई, दर दर भटक रही, सड़कों पे घूम रही, बूचड़खाने बने, लगभग 1 लाख गैया मैया रोज कटती प्रतिदिन, और उसी के कारण ये प्रकोप, ये अशांति जहां भी आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो दोष है, और उसके जिम्मेदार आप हम सभी हैं। हाँ, किसी को दोष नहीं देना, हम ही हैं। अगर एक एक दो दो गाय घर में रख ले तो सड़कों पे गाय ढूंढने से नहीं मिले।
भाई गायों की संख्या हमारे से तो ज्यादा गाय नहीं होगी। कितनी भारत की कितनी जनसंख्या होगी अग्रवाल जी? एक भाई एक अरब से ऊपर, 120 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ के लगभग होंगे। तो गायें भी इतनी है? गायें इतनी नहीं है भाई। अगर एक एक दो दो गाय रखे, और जो सामर्थ्यवान है, जिनको भगवान ने जगह जमीन दी है, जो रख सकते हैं, जिनको कोई ज्यादा आफत ना आवे, वो दो दो चार चार गाय रख लेना, तो गाय एक नहीं मिले बाजार में, गौशाला की भी जरूरत नहीं है। बूढ़ी हो जाए आपके शरीर, उसके शरीर को आप घर पर ही अगर वो त्यागती है गाय माँ, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। आप सुख का अनुभव करोगे, शांति मिलेगी, बीमारी से बचोगे, तनाव से बचोगे। जो घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष है, वंश दोष है, कर्म दोष है, कुंडली में दोष है, संगति का दोष है, अन्न का दोष है, ये गैया मैया सारे दोषों का निवारण कर देती है भाई। आप नया भवन भी बनाए तो पहले बार गैया मैया को प्रवेश करा दीजिए आप। हाँ, गाय का चरण अंदर पड़ जाए आपके मकान, वास्तु शांति का फल मिल जाता है। गाय के गोबर से लीपा जाता है, गौमूत्र की कितनी महिमा है। दूध ना भी दे तो मैया गोबर गोमूत्र तो अंतिम समय तक देती है ना, और गोमूत्र की भी महिमा वैज्ञानिकों ने शोध की है, और अब तो विदेशों में भी देसी गाय की वहां सेवा और जांच की जा रही है, इसमें क्या क्या गुण है। अगर ऋषियों ने कहा है गो की महिमा, तो जरूर कोई राज है। तो अलग अलग नस्ल की गैया मैया आती, गिर नस्ल की है, थारपरकर गाय है, साहिवाल गाय है। थारपरकर गैया मैया का गोमूत्र 30 रुपए लीटर, गोमूत्र दूध नहीं, गोमूत्र, और इसकी कीमत बढ़ सकती है, ऐसा पेपर में पढ़ा मैंने, इतना गुण है उसके अंदर। जैविक खेती में देसी गैया मैया के गोबर गोमूत्र को डाला जाए तो जो फसल है, जो सब्जी है, वो आपको हमेशा स्वस्थ रखती है, वो बीमार नहीं होने देती। क्योंकि ये जो कीटनाशक की दवाई डाल करके जो सब्जी अनाज हम उगाते हैं, वो तो शरीर में रोग पैदा करते हैं। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, आज से 50 साल पहले से। हाँ, लेकिन अब आप देखो कितनी बीमारी है। तन के भी रोग बढ़ गए, मन के भी रोग बढ़ गए। तन से सुखी है लेकिन मन से दुखी है। तो प्रथु के राज्य में जो सर्वत्र गो सेवा होने लगी ना, तो सुख शांति होगी। आपसे निवेदन किया, एक वर्ष का आप नियम ले लो, अपने घर में गाय रखो, सेवा करो उसकी, आपकी मनोकामना गाय जरूर पूरी करे, निष्ठा से श्रद्धा से जब करो। भगवान स्वयं कहते, गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता, गावो में सर्वता संतु, गवाम मध्य वसाम में हम, गायों के बीच में भगवान कहते मैं रहता हूं। यूं तो सब जगह हूं, सब जगह हूं, पर गाय जहां है झुंड समूह में, वहां मेरी उपस्थिति निश्चित है, निश्चित है। इसलिए जहां भी कहीं ऐसी गौशाला हो, दर्शन करने जरूर जाया करो, महीने में, दो महीने में, छह महीने में, अपने जन्मदिन के अवसर पर चले गए, कोई पुण्यतिथि है पूर्वजों की, पावन स्मृति में गैया मैया का दर्शन, खिलाना, कुछ खली ले गए, गुड़ ले गए, कोई हरा चारा बुलवा लिया किसी से, बच्चों का जन्मदिन है, गौशाला में जाओ, गौशाला में कुछ दान करो, जहां जरूरत है। बहुत ऐसे योजनाएं, ऐसे संगठन, ऐसे काम समाज के हित के, देश के हित के बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई बहन, आप उनकी जरूर मदद करो, ताकि उनको हिम्मत आए जो कार्य कर रहे हैं। आज मैं सेवा भारती स्कूल जो गया, मैं सरस्वती शिशु मंदिर के, वहां वनवासी छात्राओं की जो वहां सेवा हो रही है, उनको भोजन वहीं मिलता है, पढ़ाई निशुल्क, पुस्तक सारे, ड्रेस वगैरह निशुल्क दी जाती है, जन सहयोग से काम चलता है, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो संगठन हैं, ऐसी जो समितियां हैं जो देश के अंदर अच्छा काम कर रही, उनसे जरूर जुड़ो भाई, जरूर जुड़ो।
जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, बीमार की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंद की जो सहायता कर रहे हैं, आप अपने हाथों से जाकर के वहां ऐसी व्यवस्था में सहयोग तन मन धन समय से जरूर करें, ताकि जो सेवा कर रहे हैं उनको बल मिलेगा, उनका उत्साह वर्धन होगा और हमारे धन का सदुपयोग हो जाएगा। भगवान ने दिया है, सामर्थ्य है ऐसा, तो जरूर देना चाहिए। तो प्रथु के राज में गो सेवा के परिणाम स्वरूप खुशहाली आ गई, सब प्रसन्न हो गए। उसी के बाद उनके पुत्र प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने उपदेश दिए और सनकादिक ऋषियों ने प्रथु महाराज को परलोक मार्ग की चर्चा सुना करके कहा कि इस संसार में मनुष्य को इस लोक के साथ साथ परलोक की भी चिंता करते रहना चाहिए। क्या मतलब? यहाँ सदा हमको रहना नहीं है, यहाँ से जाना है तो आगे की भी तैयारी करो। भाई यहाँ आने के लिए आपने थोड़ी तो तैयारी करी होगी घर से, जब दो चार घंटे के लिए आप तैयारी करके आए तो यहाँ से सदा सदा के लिए जाना है तो कुछ तैयारी तो करके रखो। और खबर कब आ जाए कोई पता नहीं, लेने वाले कब आ जाए कोई पता नहीं, पहले से जानकारी हो तो सूटकेस तैयार, आप तैयार बैठेंगे ना, चलो। ऐसा ये मृत्यु लोक है भाई बहनों, मौत न देखे जाति पाती, मौत न देखे दिन और राती, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी, मौत न देखे भोला भाला, मौत न देखे गोरा काला, मौत न देखे अमीर गरीब, मौत आती है सबके करीब, मौत की ये अमर कहानी, जानेगा जो आत्मज्ञानी। मृत्यु तो किसको नहीं छोड़ती है, जाना तो सबको है, इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी रोज करो, थोड़ी थोड़ी तैयारी हमेशा करते रहो। किसकी किसकी तैयारी? मरने की, मृत्यु की तैयारी। ये राजा परीक्षित जी किस लिए सुन रहे कथा, क्या तैयारी है राजा की? ये सातवें दिन मृत्यु आने वाली, आज तीन दिन हो गए मेरे को मरना है, इसलिए मैं कथा सुन, इसलिए भजन भक्ति करो, एक दिन मुझे दुनिया से जाना है और उस समय भगवान की जरूरत पड़ेगी। भगवान के घर जाना है तो ये मारुति ये गाड़ी उनसे थोड़ी जाएंगे, हाँ। इसलिए खूब भक्ति साधना प्रार्थना करते हुए भगवान से कहो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय हरी बोल।
ताली बजाते हुए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय हो। साधना सत्संग सेवा सत्कर्म परोपकार करते रहो। किस लिए करना है? अंतिम समय में भगवान की जरूरत पड़ेगी। अभी तो सब साथ देने वाले हैं, सब संभाल ही रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा सबके होते हुए भी काम बनने वाला नहीं। इसलिए सम्राट परीक्षित जी की कथा सारी दुनिया में सुनाई जाती है कि जैसे ही मृत्यु की खबर मिली उसने तैयारी शुरू कर दी कि सारी प्रजा मेरे साथ है फिर भी बात बनने वाली नहीं है। एक भगवान साथ हो जावे तो एक साधे सब सदे।
और सब साधे सब जाए। इसलिए मृत्यु के समय सब आ जाएंगे और भगवान नहीं आए तो, इसलिए भक्ति साधना सत्संग करके मृत्यु की थोड़ी थोड़ी तैयारी तो रोज करो। और कोई पूछे कि तुम पहले माला नहीं जपते थे, माला ए भाई आज कथा में कहा मरने की तैयारी करो, तो दो माला शुरू कर दी मरने के लिए। अंतिम समय में यही काम आएगा, अंतिम यात्रा में भी यही बोला जाता है, राम नाम सत्य, बाकी सब गप है। इसलिए उसकी तैयारी अभी से करो। दूसरे बोले नहीं बोले, आजकल मामी बेईमानी हो गई, सब थोड़ी बोलते हैं। देखना कभी अवसर आए जब जाओ ना यात्रा में, वे आगे आगे वाले जिनके कंधे पे धरा है वही बोले, पीछे वाले तो कहीं तमाकू ही घिसता रहता है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बात कर रहा है, अरे ये बहुत अच्छा आदमी था यार चला गया देखो। हाँ वो जाने वाले के साथ अपने को जोड़ते ही नहीं है कि कभी ये अपन भी ऐसे जाएंगे, गिनते ही नहीं अपने को। लेकिन उस समय नाम स्मरण का बड़ा महत्व है, मौन रहो नाम जपते हुए जाओ। सामने वाला चला गया है, उसने भजा नहीं भजा, अब हम सब मिलके इसकी पूर्ति करो ताकि मुकाम पे पहुंच जाए। इसलिए जरूर जाया करो बिना बुलाए। एक तो भगवान की कथा में बिना बुलाए जाओ, बिना फोन, बिना कार्ड, बिना पत्रिका, बिना निमंत्रण के। जहाँ भगवान का काम हो, कथा हो, सत्संग हो, परमार्थ का, धर्म का काम हो, देश के हित का हो, समाज के हित का हो, राष्ट्र हित का काम हो, बिना बुलाए जाओ, बिना बुलाए जाओ। दुश्मन के घर भी अगर भगवान का काम हो रहा है हाँ, तो बाहर ओटले पे बैठ जाना, सड़क पे खड़े खड़े सुन लेना, पर जाओ भगवान अपना है, भगवान अपना है। कोई कोई को यही बात का बुरा है, ए यादव साहब ने सब दूर तो खबर भेजी पर मेरे को फोन ही नहीं की, तो बेईमान बिना फोन के भी आ जाओ, आपका भी स्वागत है। हाँ बिना कार्ड के भी आ जाओ, यहाँ ऐसे भी बैठे जिनको अचानक खबर मिली और आ गए। वो यादव जी ने कोई सबको थोड़ी याद किया है, लेकिन भगवान ने तो याद किया है, आप सब भाग्यवान हो। अचानक भगवान की याद आ जावे, अचानक भगवान की कथा मिल जावे, अचानक आपके हाथों से शुभ कर्म हो जावे, निश्चित मानना भगवान ने याद किया है तभी ऐसा हुआ है। भगवान याद करते तब आपके हाथों से ऐसा होता है। भगवान ने जिनको याद नहीं किया ना, उनको 6 महीने हो गए कोई कथा ना कोई कीर्तन ना कोई कुछ मिले ही नहीं, कोई को तो साल भर हो गए, कोई कोई को तो 2 साल हो गए, ना कोई कथा ना कोई पूजा ना कोई कीर्तन ना कोई परमार्थ ना परोपकार ना कोई दया कुछ कर ही नहीं। ये भगवान की दया का प्रमाण है। आपको कथा मिले, कीर्तन मिले, सत्संग मिले, सेवा मिले, परोपकार का अवसर आ जावे, तो याद रखना भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई थी, ये जीव अनेक योनि में भटकता है भाई बहनों, भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं इसको। कब हुक करी करुणा नर दे, ये भगवान जी की कृपा से मिला है और भगवान को ही पाने के लिए मिला है। मुख्य मनुष्य शरीर का उद्देश्य जन्म लाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। जन्म लेने का सच्चा लाभ फायदा क्या है, जन्म लेने अंतिम वक्त में भगवत स्मृति हो जावे जिनकी सफर। फिर आपको कोई मकान, सोना, चांदी, कपड़ा, भोजन मिला नहीं मिला वो कोई बात, अंतिम समय में अगर भगवान की स्मृति हो गई तो आपकी जिंदगी सफल। इसलिए सम्राट परीक्षित जी सारी सत्ता संपत्ति छोड़कर गंगा किनारे बैठे हैं कि मृत्यु के वक्त और कोई स्मृति ना आ जावे,
और कोई ध्यान में ना आ जावे, और किसी की याद ना आ जावे, और कोई ना दिख जावे, भगवान दिखने चाहिए अंदर से। जो भी मरणासन स्थिति में हो भाई बहन, वहां भजन कीर्तन करो, गीता पाठ करो, एक अखंड दीपक जला दो, ऐसा माहौल बनाओ, तुलसी जी का क्यारा रख दो, रोज गंगा जल उनको पिलाओ, नर्मदा जल उनको पिलाओ, तुलसी पत्र उनको रोज दो, अंतिम समय उनका सुधार दो भाई, सुधार दो। कोई भी आपके घर में है, पड़ोस में है, रिश्तेदार है, अंतिम घड़ी में जो चल रहे हैं, हाँ मानव शरीर मिला बहुत बहुत काम का है और ये चला जाएगा, ये उस समय ऐसा वातावरण बनाओ, उसमें कीर्तन होना चाहिए, नाम स्मरण होना चाहिए, फिर वहां रोना गाना ये ऐसा कुछ मत करो, और ज्यादा हर किसी से मिलवाओ भी मत उनको। हाँ कोई अंतिम समय में ये बुआ आ गई, ये काकी आ गई, ये मामी आ गई है, उनको क्यों स्मृति में भटकाओ, विचारो क्यों मोह माया से जोड़। हाँ कोई धार्मिक भजनानंदी है, कोई संत है, भगवान की बात सुनाए, ऐसा सत्संगी है, उनसे जरूर मिलाओ। बाकी कोई ऐसा एरा गेरा आए, ए डॉक्टर ने मना किए, कोई से नहीं मिल, हाल समाचार आप ही सुना दो। सम्राट परीक्षित जी किसी से नहीं मिले, हाँ भगवान की कथा में बैठ गए, पता नहीं कहां ध्यान भंग हो जाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। कई जन्म का चक्कर चल रहा है, अंत में स्मरण नहीं हो पाता, इसलिए रोज ऐसे आदत बनाओ, रोज आदत बनाओ, जीवन पर्यंत इसे आदत बना लेंगे नाम स्मरण की, तो मृत्यु के समय नाम निकलेगा निकलेगा, आदत नहीं है तो नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे संत साधु महापुरुष हमें बार बार इन कथाओं के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। पुरंजन उपाख्यान, फिर कथा प्रीव्रत राजा की आती है, वो भी ऐसे ही कथा सत्संग में गए, उनको भी वैराग्य हुआ, भगवान की भक्ति करना है, संतों ने समझाया तुम गृहस्थ में रह करके भी भगवत भक्ति साधना उपासना कर सकते हो। आए विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से विवाहित हुए, आग्नेद्र नाम के पुत्र हुए, सात दीप नौ खंड के राजा बने, धन संपत्ति प्रॉपर्टी व्यापार इसके कोई मना नहीं है, लेकिन फंसो मत उस। कुछ ऐसी योजना बना के रखो ताकि मैं भगवान से, धर्म से, सत्य से जुड़ा रहूं, जुड़ा रहूं, नहीं तो काम धंधे झंझटों में व्यक्ति इतना उलझ जाता है, फंस जाता है, कहीं जा नहीं पाता है। ये बंधन है, और ये बंधनों से निकलने की कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जहां जैसा योग बना, मौका मिला, निकल भागो। आसानी से अगर आप घर से निकल के, दुकान धंधे से निकल के मंदिर तक चले गए, कथा तक चले गए, तीर्थ में चले गए, तो निश्चित मानो जितनी आसानी से आप घर से निकल के कथा मंदिर गए, उतनी आसानी से इस शरीर से भी निकल के भगवान के यहां भी चले जाओ, ये मृत्यु का भी दर्द नहीं होगा। जैसे अभी आप आए तो कुछ दर्द, दुखी है, कुछ कुछ पीड़ा है क्या? ये सब छोड़ के आ गए, गोदरेज और नया हार और सब, कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना, खुशी खुशी आए, छोड़ आए, ऐसा एक दिन तो सदा सदा के लिए छोड़ना है, और छोड़ेंगे तो दुख तो होगा, होगा ना, बस वही दुख मृत्यु के समय, ये इतना सब बनाया आज तो सब छूटेगा, यही तो दुख होता है, उस समय अपना बस चलता नहीं है। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करो रोज, एक दो घंटा बिना मेरा कुछ भी नहीं ऐसा समझ के रहे रो, हे मकान दुकान सब, अंदर से मेरा है ऐसा मत मानो, भगवान का है, भगवान का है, क्यों पहले नहीं था अब है, आगे रहे ना रहे, पर भगवान तो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए भगवान मेरा है, ये सब मेरे नहीं है।
ये अभी है, पहले नहीं थे, आगे भी नहीं रहे। परीक्षित को ये ज्ञान करा दिया था। क्या? कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, बिना राम रग रैया अपनो कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, बिना राम रग रैया अपना कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, बिना राम रग रैया अपना कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे,
सीता राम 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 सीता राम कृष्ण भगवान की जय। भाई बहनों, जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ होते हुए भी भगवान के बिना सब बेकार है, भाई जब भी भक्ति करो, साधना करो, थोड़ा गंभीरता से विचार करना है। हमने गा तो लिया कि कोई नहीं है, और वास्तव में आता है ऐसा दिन भाई, सबके होते हुए भी अपना कोई नहीं है। हे, क्या कर सकता है? प्रतिदिन भक्ति, साधना, उपासना, ध्यान जब करो, ऐसा समझ के करो, प्रभु बस आप और मैं हूं, मेरा कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में की हुई भक्ति, साधना, उपासना तत्काल फलदायी होती है। कोई भिखारी जब आपके द्वार आए मांगने, भैया मेरा तो कोई नहीं है, ना मकान है, ना कोई भाई है, ना कोई बुआ है, ना मामा है, ना मेरा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। अगर उसके बात आपने ठीक से सुन ली भाई बहनों, तो कैसा भी कंजूस हो है, उसके मन में भी आज ले ले देख, आज की गरम रोटी नहीं तो भले कल की तो देव देव, हो सकता ऐसा निष्ठुर हो कोई न दे, लेकिन भगवान के सामने अगर आपने ऐसी प्रार्थना कर ली, दीनहीन होकर मेरा कोई नहीं, भगवान रीझ जाएगा, रीझ जाएगा। बहुत कोमल हृदय भगवान, बहुत कोमल, बहुत कोमल, बहुत कोमल है भगवान। आपकी प्रार्थना तत्काल सुनते, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, बहुत कोमल हृदय है। पर प्रार्थना करने वाले की कला होना चाहिए, भगवान रीझ जाए। जब आप ऐसे दीनहीन होकर नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। नहीं विद्या है ना बल है, मैं तो विकलांग जैसे होता भाई बहनों, ऐसे प्रार्थना के समय दीनहीन या और समझने के लिए भिखारी की तरह प्रार्थना करिए। मैं कुछ हूं, पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं दानी हूं, मैं पैसे वाला हूं, कुछ ऐसा समझ के भक्ति करोगे तो वो भक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंचती भाई, क्योंकि बीच में वो मैं आड़ आ गई, आड़ आ गई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, फिर देखो आप तत्काल भक्ति में आनंद आएगा, आपको रस आएगा, आपको करुणा आएगी। कोई अभिमान ही नहीं है ना, देहाभिमान होता है, हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये करवाया, मैंने ऐसा किया है, बस ये बीच में रोड़ा बन जाता है, मैं कुछ नहीं हूं।
प्रिव्रत राजा आए विश्वकर्मा की पत्नी से विवाह, फिर अग्निद्र, अग्निद्र की नाभि, नाभि राजा की कोई संतान न हुई। देखो आप इन्हीं के वंश खानदान में भगवान नाभि राजा के यहाँ मेरु देवी की स्त्री से ऋषभ देव बन करके पुत्र रूप में प्रकट हो गए। भगवान राजा के यहाँ कोई तपस्वी साधु महात्मा के नहीं, उनके वंश की परंपरा ऐसी बन गई थी, भक्ति साधना सत्संग सेवा दान पुण्य परंपरा बन गई। जैसे किसी किसी की परंपरा दारू की है, वो का दादा पीता था, उसका बाप भी पी रहे है और बेटे ने भी शुरू कर दी, नहीं करी, कर दी, कोई कोई ने कर दी, उसने चल रही परंपरा। जब बुरी परंपराएं समाज में कहीं कहीं देखने को मिल रही है, भाई बहनों अच्छी परंपरा भी चालू करो ना। कि दादाजी भी मंदिर जाते थे, यहाँ कथा में जाते थे, दान पुण्य करते थे, कोई भी धर्म का आयोजन होता था रोज नहीं तो एक घंटे तो जरूर जाते थे, और आयोजन में जाके पूछते भैया कोई मदद कोई सेवा सहयोग हमको जरूर अवसर देना। आप पहचान है ऐसे कई खानदान में हुए, ऐसे याद करते हैं लोग, अरे भाई उनकी बात अलग थी साहब उनकी। और कई खानदान की दूसरे तरह की बात हो रही है। हाँ ऐसी परंपरा बनाओ भाई बहनों, ताकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो अच्छी परंपरा अच्छे काम करने की एक रीति चल जाए। रीति वो करते थे, हमने किया, हमने किया, हमारे बेटे करेंगे, घर का वातावरण ऐसा बनाओ। तो भगवान आ गए राजा के घर में, भगवान ऋषभदेव बन करके अहिंसा परमो धर्म की बात बताई, और फिर सारे जीवों की रक्षा की बात करते थे। इनका विवाह हुआ, फिर सबसे बड़े बेटे भरत हुए, उनको सत्ता सौंप करके और ये परमहंस व्रत धारण करके निकल गए। तो देखो फिर राजर्षि भरत ने भी वही किया, अपने पुत्रों को संपत्ति दे गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या कर। एक दिन क्या घटना घट गई, हरिण का बच्चा पानी में बह रहा, बचाया, पाल पोस के बड़ा किया, उससे मोह हो गया ये मेरा है, ये गड़बड़ हो गई। मन पे कभी भरोसा मत करो, ये मन धोखे में डाल देगा, गड्ढे में गिरा देगा, इसे इसकी चालाकी को पकड़ लो। ये मन कभी कभी आपको भाई बहनों इसे बुरे काम में भी झोंक देता है, आप नहीं चाहते हो फिर भी घसीट ले गया ये मन, इसकी चालबाजी को पकड़ो। ज्यादा भजन सुमरण करोगे तो मन अगर गलत जा रहा है आप नहीं मानोगे, उसे नहीं मानोगे। जो अपने आप को भक्ति साधना में कमजोर मानता है उनका मन बलवान होकर के गड्ढे में गिरा देता है। वो हरिण के मुंह में भागे फिरे, हरिण तो हाथ नहीं आया, प्राण निकलने का समय आ गया, और अंते मति सागति हरिण की याद में प्राण छूटे तो हरिण शरीर मिल गए। बात गंभीर है भाई, हमारा भी अंतिम समय आए, पता नहीं किसकी याद आए। ऐसी जांच करो रोज कि ज्यादा आपको किसकी याद आती है, सोते उठते बैठते, दुकान की, नोट की, सोना चांदी, गाड़ी, ट्रैक्टर, खेत, गेहूं, चना, क्या याद किसकी आती, अपने आप याद किसकी आती, जांच करो कभी फ्री टाइम मिल जाए जब, कि ज्यादा झुकाव किधर है, ये मन गुड़कता किधर है, अपने आप किधर जा रहा है, जांच करो उसको। आपको भगवान की याद आती है, माला जपने की याद आती है, ध्यान करने की याद आती है, सेवा सत्संग कथा की याद आती है, तो मृत्यु के समय भी आ जाएंगे। वो हरिण शरीर मिला, हरिण शरीर छूटा, ब्राह्मण कुल में जन्मे, किसी से बात नहीं की, भगवान की याद में रहते थे, अब किसी को याद नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, घर के लोगों ने समझा गूंगा है, आवाज तो सुनता नहीं, अरे बहरा भी है रे, घर के लोगों ने समझा ये अपने कोई काम का नहीं, जड़ भरत नाम रख दिया। दुनिया में मतलब के आप है तब तक ही आपसे सब राम राम करेंगे, और कोई मतलब के नहीं बचे तो कोई राम राम भी नहीं करते।
जड़ भरत जी को खेत पे छोड़ दिया, वहां चोरों को सरदार आया, पकड़ के ले गए, बलि चढ़ाएंगे, जगदम्बा प्रकट हो गई और सारे दुष्टों को मारा। अरे ये ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है, तुम अज्ञानी हो, पहचान नहीं पाए। ब्रह्म ज्ञानी की, संत की पहचान हर कोई नहीं कर सकता। आपको संत जैसा बनना पड़ेगा, तभी संत की पहचान कर पाओ। आपकी सोच संत जैसी हो। कपड़ों से संत साधु नहीं बनना, चर्चा हो गई अपनी। स्वभाव से संत बनिए, व्यवहार से, अंदर दया हो, प्रेम हो, पवित्रता हो, करुणा हो, निराभिमानिता हो, तो आप सच्चे संत की पहचान कर लो। जब तक आपके भीतर संतत्व नहीं आएगा, आप असली संत में भी खोट देखोगे, बुराई देखोगे, कमी देखोगे, क्योंकि वो हमारे भीतर है ना, इसलिए उधर भी दिखे। हम अच्छे बन जाएंगे तो सब अच्छे। बुरा जो देखन में चला, तो बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपने, अरे मैं ही बुरा हूं तभी तो मैं बुरा देख रहा हूं, मैं अच्छा बनूंगा तो अच्छा देखूंगा। जड़ भरत जी की रक्षा हुई। इधर एक सिंधु सोवी रघुगण राजा पालकी में बैठ के जा रहे थे और एक बीमार हो गया पालकी में। जड़ भरत जी को कंधे पे रखी पालकी और जा रहे। रास्ते में जीव हिंसा ना हो, छलांग लगाई, छलांग लगाती पालकी गिरी और राजा गिरा, तलवार उठा के मारने लगा। राजा कहता है, जानता है मैं कौन हूं? नहीं जानता, मैं सिंधु सोवी सम्राट रघुगण हूं, मेरे नाम से लोग कांपते हैं, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया, ये तलवार देखिए, मार डालूंगा मैं। जड़ भरत जी हंसते हुए कहते हैं, महाराज आपकी तलवार ने अभी तक जिनको भी मारा होगा, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, आप शरीर को मार सकते हो लेकिन मेरे को नहीं मार सकते हो। राजा ने कहा, तो तुम दो हो क्या? बोले हाँ, मैं अलग हूं और शरीर अलग। ये शरीर में मैं रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर से अलग हूं, शरीर पड़ा रहेगा, मैं चला जाऊंगा, मारो मारो जल्दी तलवार। राजा के हाथ कांपने लग गए, ये मरने से डरता नहीं और मरने की जल्दी कर रहा है, बात क्या है? अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मरने की कला है भाई, वे मरने में भी आनंद है। लोगों को जीना नहीं आ रहा है, जीना नहीं आ रहा है, और कोई कोई कह रहा है मंगल में मृत्यु होती है, मृत्यु भी आए तो उसका भी स्वागत है। मरना तो एक स्वाभाविक क्रिया है, शरीर की छूटता है ये तो, जैसे पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, कोई दुख होता है क्या? कितने कपड़े हमने अभी तक फाड़ फेंके, कोई दुख हुआ? नए नए पहन लिए तो। शरीर को तो कपड़ा कहा है गीता में, वासान से जीर्णानी यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये शरीर आत्मा के ऊपर कवर है, जैसे ये कपड़ा ऊपर पहना है, ऐसा ये दिगंबर जैन मुनि क्या करते है? वो कपड़ा नहीं पहन, वो शरीर को ही कपड़ा मानते हैं। वो ऊपर से और नहीं ओढ़ाते, बोले पहले ही तो ओढ़ा हुआ है, भगवान ने पहना के भेजा है, तो इसके ऊपर और क्या पहनो। रघुगण राजा चरणों में गिर गए, वे पहचान नहीं सका आपको। तो राजन, अभिमान में तुम संत की पहचान नहीं कर पाए तो भगवंत की कब करोगे? अभिमान छोड़ो, चरणों में प्रणाम करके विनती की, मुझे ये ज्ञान दे दो। रघुगण राजा को जो आत्मरस का अनुभव कराया, राजा रघुगण चरणों में बैठ गए और सारे संसार के सुख वैभव को छोड़कर क्या कह रहे हैं, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत। सतमार्ग पर चलना बताया, सतमार्ग पर चलना बताया, सतमार्ग पर चलना बताया, सतमार्ग पर चलना बताया। गाँव गुरु के गीत दुनिया जाने, तो गाँव गुरु के गीत दुनिया का जाने, मिल गया मन का गीत दुनिया जाने, मुझे मिल गया
गया मन का दुनिया का जाने मेरी भगी गुरु संग थी दुनिया का जाने गुरु संग थी दुनिया का जाने जय हो हरि बोल राजा ने वो अनुभव आत्मरस का किया, संसार निरस हो गया, फीका हो गया। बाद में फिर भवाटवी ज्योतिषमार चक्र नरकों का वर्णन सुना करके अजामिल की कथा सुनी, अंतिम समय में नारायण नारायण जप करके नरक से बच गए। जीवन की सफलता मृत्यु के समय ही पता चलता है। जीवन कैसा जिया है अंतिम समय में उसका परिणाम निकलता है। जैसे साल भर कैसे पढ़ाई करी, रिजल्ट आएगा जब पता चले। अभी तो सब कर, कैसे गया पेपर? बहुत बढ़िया, सब करके आया, वाह। वो जब रिजल्ट आया जब फेल, कह रहे तू सब करके आए और ये फेल कर मार्कशीट आ गया, झूठेला। अंतिम समय में अजामिल नारायण बोला तो नरक से बच गए, पास हो गए, पास हो गए। कैसा भी जीवन जिया होगा लेकिन उसने सदगुरु की बातों पे ध्यान दे करके अंतिम समय सुधार दिया। कोशिश करो भाई बहनों, बचपना बिगड़ गया, कोई साधन सहयोग नहीं मिला, जवानी बिगड़ गई, जाने दो, बुढ़ापा भी जा रहा है, बचा लो। और मान लो बुढ़ापा भी निकल गया तो मौत को तो भाई संभालो, मौत मत बिगड़ने दो। मृत्यु के समय तो कुछ ऐसा कर लो भाई, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, जन्म सफल हो जाएगा। बोलो राम राजा राम सीताराम, बोलो राम राजा राम सीताराम। जग सफल हो गारे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम
मने अति मन भान राम से देह लगा ले, राम से देह लगा ले। बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम सीता राम। पावन करुणा करे और सदा सुख दाता। बोलो राम राजा राम सीता राम, बोलो राम राजा राम सीता राम। पतित पावन करुणा करे और सदा सुख दाता। सरस सुहावने अति मन भावने, सरस सुहावने अति मन भावने। राम से देह लगा ले, राम से देह लगा ले। जग सफल हो गारे सफल भी हो जीवन और सार्थक भी हो। सफल तो बहुत लोगों का हुआ है पर सार्थक नहीं हुआ है, निरर्थक हो गए। सार्थक भक्ति साधना के साथ जो जन्म बीतता है पूरा होता है वो सार्थक। अजामिल की कथा उसी के बाद में देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए, राक्षसों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण गए, उन्होंने कहा भाई गुरु की शरण जाओ, गुरु के बिना तुम सदा सुखी नहीं रह सकते। गुरु आपको सुख स्वरूप आत्मा से जोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु अपने आप में स्वयं संतुष्ट रहता है, उससे कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज। जो स्वयं संतुष्ट है वो आपको संतुष्टि दिला सकता है। तो जाओ इसे गुरु की तलाश करो। तो तुष्टा ऋषि के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है। विश्वरूप गुरु ने युद्ध करके राक्षसों को हरा दिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। एक दिन घटना घटी, गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, चार हिस्सों में बांट दिया। दधीची ऋषि की आवश्यकता लगी, इधर वृत्रासुर प्रकट किया तुष्टा ऋषि ने, वृत्रासुर को मारना चाहे लेकिन ना मरे। फिर दधीची ऋषि की शरण गए, हड्डी लेकर वज्र बनवाया, वृत्रासुर को मार तो दिया, ब्रह्म हत्या का पाप फिर लगा। एक बार तो ऋषियों ने बचाया, चार टुकड़े कर दिए थे ब्रह्म हत्या के, एक पृथ्वी को, एक वृक्ष को, एक जल को और एक स्त्री को। ये चार पांच दिन की जो अशुद्ध अवस्था है ब्रह्म हत्या का पाप है, इसलिए घरों में जितनी शुद्धि होगी उतनी सिद्धि आएगी। आज ज्यादा पढ़ लिखने के कारण, ज्यादा धन संपत्ति आने के कारण ये पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया जाता है। छुआछूत चार पांच दिन की नहीं मानते, उसका नतीजा अशांति, तनाव, चिड़चिड़ापन, बीमारी, बरकत नहीं होना, कलह होना। इसलिए भाई बहनों पवित्रता बहुत जरूरी है। वो ब्रह्म हत्या का पाप चार हिस्से में बांटा। बाद में तो तुष्टा ऋषि ने जब वृत्रासुर को बनाया ना, तो फिर दधीची ऋषि की हड्डी से मारा गया, फिर पाप लगा। 1000 साल तक कमल कर्णिका के नाल में दंड भोगा, किन्ने देवराज। पाप भोगने से ही खत्म होता है, और भोगना नहीं है तो फिर भजना, या तो भोगो या फिर भजो। अब जिसको जो सस्ता पड़े, हाँ भजना कठिन है तो फिर भोगने को तैयार हो, क्योंकि किया है वो तो भोगना है, उसके बिना वो खत्म होता नहीं।
देवराज इंद्र आए, बृहस्पति गुरु जी के चरणों में वंदन किया, मेरे से भूल हो गई, माफ करो, मैंने एक बार आज्ञा का उल्लंघन किया, बहुत आफत होगी। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होने से भाई इस जीवन में भी लोग अत्याचार पाप अधर्म कर रहे हैं और मृत्यु के बाद फिर नरक का दुख भोगना। कोई कोई कहता है किन्ने देखा नरक, अरे जैसी करनी वैसी भरनी, नी माने तो करके देख, अरे स्वर्ग भी है और नरक भी है, नी माने तो मर के देख। हाँ, जिन्होंने शास्त्र संत की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मृत्यु के बाद नरक होगा नहीं होगा जाने दो, जीते जी कितने नरक दुख पीड़ा तकलीफ भोग रहे हैं, कितने जीवों को पकड़ के काट दिया, कोई रिपोर्ट ना कोई उनका साथ देने वाला है, पकड़ा और काट दिया, भून दिया, खा गया, क्या है ये नरक ही तो है, कोई रखवाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई तुम्हारे पक्ष में खड़ा होने वाला नहीं। एक मनुष्य को थोड़ा मान हानि का दावा लगा देते, मनुष्य का अपमान कैसे कर दिया, मान हानि का दावा केस लगा दिया, इन्हें मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, इंसान के बारे में कितना कानून है, और जीवों के लिए कोई कानून, कोई मार रहा काट रहा जो भी हो रहा, कौन गवाह दे, कौन चिंता करे। इसलिए भाई बहन गुरु बहुत मदद करता है, नरक से बचा देता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसे सच्चे साधु संत से जोड़ो। देखो कथा आती है, राक्षसों की माँ दीति ने हिरण कश्य को उपसाया तपस्या कर, उसने तपस्या कर वरदान पा लिया, दिन में मरु न रात में ऊपर न नीचे जल में न थल में अस्त्र से न शस्त्र से, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाते ही भगवान का विरोध, कोई ईश्वर नहीं, कोई मंदिर नहीं, सब तोड़ो और मेरी पूजा करो, मेरी जय जयकार करो। विधर्मी अन्यायी पहले भी हुए कथाओं में तो ये आप सुनते हो, लेकिन आज भी ऐसे दुष्ट लोग हैं जो जहां मंदिर तोड़ रहे, मूर्ति तोड़ रहे, धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्या है भाई बहन। इसलिए धर्म का पालन करो, ऐसे आयोजनों में संगठित हो, एकजुट हो, कोई जाति कोई पार्टी कोई मजहब कोई संप्रदाय कोई तेरा मेरा अमीर गरीब इनसे थोड़ा ऊपर उठो, नहीं तो बेईमान लोग विधर्मी लोग सफल हो जाएंगे और हम देखते रहेंगे बात करते रहेंगे, क्योंकि हम खुद एक नहीं है, वो भ्रष्ट लोग सब एक है और श्रेष्ठ लोग सब अलग अलग। हाँ, हमने भगवान भी अलग अलग बना ली, मंदिर भी अलग अलग बना ली, कोई कोई तो घर में भी अलग अलग है, इनका भगवान अलग हमारा तो ये है, इनका अलग। भाई बहन एक मत एक विचार एक धर्म तो जोड़ता है तोड़ता नहीं, लेकिन समझ के कारण भेदभाव हो जाता है, इसलिए एकजुट हो, संगठित रहो, मंदिरों में जाओ, कथा में जाओ, ऐसे आयोजनों में सम्मिलित हो, औरों को जोड़ो ताकि बुद्धि की शुद्धि हो। आज देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, हाँ देश के साथ गद्दारी, देश द्रोही भी है और धर्म द्रोही भी है। हाँ, ये कथाएं हिरण्यकश्यप का नाम लेकर के कथा होती है, पहले तो एक ही हिरण्यकश्यप था और अब कितने हैं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन धर्मद्रोही हैं, हैं और वो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। इधर प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में आए और कहा पिताजी कोई भगवान, अरे बेटा कहां भगवान, मैं ही भगवान बन गए, पुराने सब कैंसिल हो गए, अब सब जगह मेरी पूजा जय जयकार हो रही है, तो हो नहीं सकता। अरे राजा बदले, मंत्री बदले, अध्यक्ष विधायक बदले, भगवान भी बदले, और है ऐसे लोग जो भगवान बदल लिया, धर्म बदल लिया, लोभ लालच में आगे शिक्षा ऐसी दी जा रही है, धर्म बदल लिया लोगों ने लोभ लालच में आकर, हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म, धर्म तो एक ही है भाई, मानव धर्म, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, मानव धर्म अगर पालन करेंगे तो सब सुखी होंगे, और अलग अलग धर्म मानेंगे तो झगड़ा होगा, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। वो हिरण्यकश्यप ने जब ये बात कही तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुमको अभी तक यही अकल नहीं आई, अरे भगवान सबका परम पिता एक ही है और तुम कह रहे हो मैं ही भगवान, तो ये बात मेरे को कम जमती, तो मैं तुझे मार डालूंगा, पिताजी मार के देखो, क्यों मैंने सुना है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और वो सबके साथ है, आपके साथ भी अगर आप उसको मानते हो बचते हो तो आप बच जाओगे, और नहीं तो सावधान हो जाओ,
हिरण का शबुन का देखता हूँ कौन बचा था, तलवार से मारा, पहाड़ से पटका, जहर पिलाया, नागों में डसाया, हाथी के नीचे कुचाया, पानी में डुबा के मारना चाहा, प्रहलाद जी सब जगह बच गए, आखिर में कहा आग में पटको। तो प्रहलाद जी आग में से भी सुरक्षित निकलकर जब बाहर आ गए, एक बाल तक नहीं जला, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगवेरी हो। प्रहलाद जी राख में से हिट के बाहर आ गया। और वही समय होली का पावन पर्व आ रहा भाई, ये होली में बाहर के रंग से बचना, पता नहीं केमिकल का कैसा रंग आवे। आप तो चार दिन यहाँ आ जाना, तीन चार दिन बचे, भक्ति का रंग आपके जीवन में लग जाए जो जिंदगी में कभी ना निकले। हाँ, ये रंग में रंगो भाई बहनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्संग के रंग में रंग जाओ। ये बाहर का रंग तो पता नहीं कैसा है, और होली का पावन पर्व है, उसको मर्यादित तरीके से मनाए तो अच्छा है भाई बहनों। कई लोग नशा करते हैं, हुड़दंग करते हैं, ये अपने त्योहार अपने पर्वों को हम ही बिगाड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। और ऐसे जो पर्व को बिगाड़ते हैं वो, उनको आप पहले यही ले आना। हाँ, चार दिन बचे, भगवान कृपा करे और उनकी बुद्धि की शुद्धि हो जावे तो भक्ति का रंग लग जाएगा। प्रहलाद जी को जो रंग लगा, कितना उनको त्रास दिया लेकिन रंग नहीं निकला। हाँ, हिरण का शपु ने कहा है तेरा भगवान, बता, खम्भे में है? तो कहा प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कह रहे, पिताजी आपको अभी तक यही समझ में नहीं आया? अरे कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, बताओ। तो खंबे में है, खंबे में तलवार मारी, नरसिंह भगवान सच में प्रकट हो गए। बोलो नरसिम्हा भगवान की जय। हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे खंबा के अंदर भी रहता है, हाँ, और यहाँ खेड़ा के अंदर भी है, ये आ गया। खंबा में से ही थे तो खेड़ा में से भी आ गया। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। ऐसा नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण कश्यप को पकड़ा और कहा दुष्ट पापी, एक 5 साल के बच्चे को अकल आ गई कि भगवान है, धर्म है, सत्य है, न्याय है, नीति है, वो तूने कुछ भी नहीं माना, कौन है सामने आए, अब देख आज वे इस रूप में आयो। बोले मैंने तो वरदान लिया है, दिन में मरू ना, रात में, ऊपर ना नीचे, जल में ना थल में, अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले बेईमान लोग पाप करने वाले हर तरह से बचना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी ठिकाने लगाने की योजना बना रखी। हाँ, तूने जो वरदान पाए मिला ले, एक भी वरदान आज तेरे काम आने वाला नहीं है। तूने वरदान लिया मैं दिन में मरू ना रात में, तो सायंकाल का समय, तूने वरदान लिया ऊपर मरू ना नीचे, तो मेरी जंगा पे बैठा है, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से तो नाखून है, देवता से मरू ना राक्षस से तो मैं दोनों नहीं हूं, मैं मनुष्य से मरू ना पशु से तो मैं देख आधा नर हूं और आधा सिंह हूं। बोल हिरण्यकश्यप का बात तो सही है। अरे ये सही बात तो पहले ही समझ लेता, आज समय निकल गया है, आज तेरी मृत्यु नाखूनों से चीर डाला। जैसे ही मरा हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि, बोलो नरसिंह भगवान। प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने गोदी में बिठाया और कहा बेटा तूने बहुत कष्ट उठाया, लेकिन चिंता न कर, तेरे जैसे भगत जिस घर परिवार खानदान में हो जाते हैं, वो खानदान हमेशा भगवान की भक्ति साधना में रहते हैं और कभी कोई नरक नहीं जाता। 21 पीढ़ियों की भगवान ने गारंटी ली और वचन दिया प्रहलाद जी को, अटूट निष्काम भक्ति का वरदान दे करके भगवान नरसिंह जी सारे संसार के लोगों को ये बात कह रहे हैं कि प्रहलाद ने इतना कष्ट भोगा लेकिन भक्ति साधना धर्म नहीं छोड़ा, आखिर में भगवान स्वयं आकर के प्रहलाद की रक्षा करते हैं और प्रहलाद से कहते हैं मैंने तेरी परीक्षा ली और तू हर परीक्षा में पास हुआ बेटा, इसलिए आज मैं तेरे पास प्रकट हो गया हूं। कई भक्त लोग तो दुख के समय में मेरी भक्ति साधना छोड़ देते हैं, पर तेरी भक्ति दुख में और ज्यादा बढ़ती गई, आज मुझे प्रकट होना पड़ा और निष्काम भक्ति का वरदान प्रहलाद जी ने पाया।
आज आप हम सब भी इस तीसरे दिन की कथा का मंगल में विश्राम करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करना कि प्रभु भक्ति करके हम आपको ही मांगे, आपसे कोई सामान मांगे आप दूर हो जावे और सामान मिल जावे। ये तो व्यापार, ये लेन देन का सौदा, अगर आप न मिले तो भक्ति बेकार जाएगी। इसलिए निष्काम भक्ति करें और जो आवश्यकता है उस कर्म और मेहनत पुरुषार्थ से प्राप्त करें। भक्ति से तो सिर्फ भगवान को ही मांगे, ऐसी प्रहलाद जी की कथा से प्रेरणा लेकर के जाना। पधारे हुए आप सभी भगवान जी के भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है खारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर पंथी मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर तोल जग अंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये प्रेत योनि और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये प्रेत योनि और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये धुंधकारी से व्रत को भी, ये धुंधकारी से व्रत को भी, नव जीवन देने वास्ते, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
जी पापियों को पाप है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कलितालताये कपाल मालांगित सुंदराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय